Hello, my friends and brothers. My name is Ishan Ram. Welcome to channel Let's Study Children. So, friends, I am really, really sorry. मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहा था और उसका रीज़न ये है कि पहले तो मेरे एग्जाम्स शुरू हो गए, फाइनल एग्जाम्स. और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ही कुछ ही दिनों में स्कूल ओपन हो गए और उसके बाद थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया. फिर मैंने टाइम टेबल बनाया कि कब मुझे स्टडी का करना है और कब मुझे वीडियो का करना है. उसके बाद आज से मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम लोग करेंगे फन विद फिज़िक्स. यस, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे फन विद फिज़िक्स. तो हम एक्चुअली करेंगे क्या कि हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करने वाले हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, बट रियल में नहीं. हाँ, हम प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे पर रियल में नहीं करेंगे. हम उन्हें करेंगे सिमुलेशंस में. ओके, हम उन्हें करने वाले हैं सिमुलेशंस में. पर अब हम उसको कहाँ पर करेंगे? हम उसको करने वाले हैं एक साइट में जो कि एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री है. स्क्रैच की जैसी साइट है और बिल्कुल फ्री है और उसमें ढेरों सिमुलेशंस हैं. मैथ, जियोग्राफी, फिज़िक्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस के सिमुलेशंस हैं. ओके, ऐसे ही बहुत सारे सिमुलेशंस आपको उसमें मिल जाएंगे. तो साइट का जो नाम है वो है PhET कोलोराडो एजुकेशन. यस, आप में से बहुत सारे लोगों को इसका नाम पता होगा शायद. तो इसका नाम यही है और आज हम इसमें ही हमारे फन विद फिज़िक्स करने वाले हैं. तो बहुत मज़ा आएगा हमें. वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल के ऊपर दबाना मत भूलना ताकि जब भी कोई मेरा नया वीडियो आए आप सबको पता चल जाए. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. कन्वर्शन चक्र, दूसरे हाथ में गदा. Did the man six the two? Then the answer is. The prize is for you all. So if that is four, ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और अब मैं इसमें सर्च करने वाला हूँ PhET.colorado.edu. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है. अभी मैं एंटर प्रेस करूँगा. तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया है और अब मैं चले जाऊँगा सीधे PhET की वेबसाइट पर. तो यहाँ पे ये है हमारे PhET की वेबसाइट का होम पेज. तो यहाँ पे हमें कुछ भी नीचे स्क्रॉल नहीं करना है क्योंकि हमारी काम की चीज़ है ऊपर और वो है ये सिमुलेशंस. तो आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स के सिमुलेशंस, इसलिए हमने फिज़िक्स को चूज़ कर लिया है. और अब ये फिज़िक्स से रिलेटेड सारे सिमुलेशंस ला रहा है. ये देखिए, सिमुलेशंस की पूरी लिस्ट है यहाँ पर, जैसा ही आप लोग देख सकते हैं. तो आज हम जिन सिमुलेशंस के बारे में देखने वाले हैं, पहले तो हम इसका ही देखते हैं. ओके, ये वैसे भी न्यू आया है, पहले ये नहीं था क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही ये साइट देखी है. तो ये न्यू आया है, जैसे यहाँ पे लिखा भी आ रहा है. तो यहाँ पर हम इसी को देखते हैं, डेंसिटी ओपन. तो अभी इसको मैंने क्लिक करा है तो ये ओपन हुआ है और यहाँ पर ये खुल चुका है. ऐसा ये देखेगा, हमें ये जो प्ले का बटन है इसको दबाना है क्योंकि एक सिमुलेशन है और इसको प्ले तो करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे PhET इंटरैक्टिव सिमुलेशंस लिख कर आ रहा है और ये लाइन पूरी लोड भी हो चुकी है. ओके, तो यहाँ पर ये तीन चीज़ों में डिवाइडेड है, इंट्रो, कंपेयर, मिस्ट्री. तो अभी हम इंट्रो से ही स्टार्ट करते हैं. अभी देखिए, जैसे कि मैं कंपेयर पे हूँ तो मुझे पहले इंट्रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर एक और क्लिक करना पड़ेगा. तो ये आ चुका है इंट्रो और ये डिब्बा हमारा. ओ क्या बात है यार, एक सेकेंड. ओ कैसे हो रहा है यार, मस्त है यार, सही है सही है सही है, मज़ेदार है.
सही है सही है सही है। चलो ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गया, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है वुड का, टेक्सचर से पता चल रहा है। ओके, और यहाँ पर ये डेंसिटी है केजी एंड लीटर्स में। ओके ओके ठीक है, तो ये है ए। ओके ये है ए, और अभी इसका अगर अपन इसको पानी में डालेंगे तो ये कुछ 0.40 kg ही बढ़ा पाएगा, जो कि ह्यूमन जितना बढ़ाता है उससे थोड़ा सा पीछे है। ओके, और यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं इसको, जैसे स्टायरोफोम, वुड, आइस, ब्रेक, एल्यूमिनियम और कस्टम। तो यहाँ पे अभी ये डिफ़ॉल्ट वुड पे ही सिलेक्ट है, तो हम पहले वुड से ही ट्राई करेंगे। और यहाँ पे ये इसके मास का है, ठीक है, ये भी देखेंगे ये भी देखेंगे, और ये कुछ है। ओके, तो इससे दो आएंगे, तो पहले एक से ही एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर दो का देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो है हम ठीक है, पहले इसको जैसे ही डिफ़ॉल्ट था वैसे ही ट्राई करते हैं। यहाँ पे आई थिंक ये टू था ना, नहीं 2.20, ठीक है रहने दो जो भी है। ओके, तो यहाँ पे इसको अभी मैं लेकर सीधे अंदर डालने वाला हूँ। तो देखिए पानी पहले है, उप्स सॉरी, हाँ ठीक है, तो पानी पहले है 100 liter। ओके, और अभी यहाँ पर मैं इसको डालूँगा, तो रुको ऐसे क्यों डाल रहे हैं यार, अच्छा आइडिया है मेरे पास, मैं इसको डालूँगा तो ये बन जाएगा 102.20 liters, मतलब इसका वज़न है 2.20 kilos, तो इसने 2.20 liters वाटर बढ़ा दिया है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं 200 पे कर दूँ। ओके, तो देखिए वही है, पहले 20.20 और ऐड हो गया था, पर अभी से 102 ही है। ओके, तो अभी इसका थोड़ा सा मास बढ़ाते हैं, मे बी हम फुली कर देते हैं। तो अभी हो चुका है 4 kg, तो इसको डालते हैं ऊपर से। तो देखिए एकदम परफेक्ट 104.0 kg। ओके, तो थोड़ा सा और इधर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये देखिए वही सिंपल है, 3.50 kg। ओके, और ये भी है 103.50 kg। ओके ठीक है, ये तो अपन ने कर लिया, अभी अपन करने वाले हैं इनको चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको वुड से अभी हम करने वाले हैं स्टायरोफोम। ओ माय गॉड, ये तो बहुत हल्का है, 0.101.31 kg का ये है, और उतना ही इसने वाटर को बढ़ाया। इसको फुल करते हैं। ओके, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, स्टायरोफोम बहुत हल्का है। वुड हम ट्राई कर चुके हैं, आइस को ट्राई करते हैं। ओ वाह, हाँ एक और चीज़ हम नोटिस करेंगे स्टायरोफोम को, ये देखिए स्टायरोफोम में ये ह्यूमन से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, जबकि स्टायरोफोम को हमने फुल पर कर रखा है, और वुड पे करते हैं तो ये ह्यूमन तक थोड़ा बहुत जा रहा है, ठीक है। आइस पे करेंगे तो देखिए ये एग्जैक्ट ह्यूमन की लाइन को टच कर गया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट ह्यूमन की लाइन को ये टच कर चुका है। ओके, थोड़ा सा पीछे है, कर जाएगा जल्दी। ओके, तो यहाँ पर आई, अरे टूटती नहीं है वो तो मुझे भी पता है, मजाक में कर रहा हूँ, ठीक है, इसको अभी ऊपर से छोड़ेंगे। ओके, तो 109.19 kg इसका वज़न है। ओके,
केजीज इसका आई केजीज इसका वजन 109.19 का वजन हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ह्यूमन से पीछे रह गया है। ओके, जबकि ये फुल भी है, देख सकते हैं। तो अभी आइस के आज हम ट्राई करने वाले हैं ब्रिक से, और ब्रिक बहुत भारी होती है। ओके, ये देखिए, ये तो उश्केगी नहीं यार, इसको पूरा हल्का कर दूं क्या? ओ माय गॉड, क्यूटी, ओ कितना क्यूट दिख रहा है यार। हेलो, हट, आ जाओ, इसको पानी में डुबाते हैं, है? बस हो गया। ओके, तो ये 101 ही कर पाया। ओके, ठीक है, तो ब्रिक को अभी हम थोड़ा सा सेंटर बीच में करके देखते हैं। ओके, थोड़ा सा भारी हुआ, देखिए 105.25 लीटर्स। देख लीजिए, मैंने वज़न इसका कर रखा है 10.50 केजीज। अब इसको फुल कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे, इसको देखिए, ये 2 केजी का हो चुका है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। ओके, इसको जब मैं फेंकता हूँ, तो इसको ब्रिक को अगर हम फुल कर दें एकदम मैक्स पे, तो ये हो गया है 110.00 लीटर, मतलब वही 110 लीटर्स पानी हो चुका है 100 से, मतलब इसने 10 लीटर बढ़ा दिया। माय गॉड। ओके, तो ब्रिक भी हो गई, ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात है कि ये ह्यूमन को क्रॉस कर गया, देख लो ह्यूमन क्रॉस कर चुका है, बढ़िया। देखते हैं कि कोई टाइटेनियम को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं, और ऐसा कौन है यार जो स्टील या कॉपर, स्टील को ही क्रॉस, टाइटेनियम को ही क्रॉस कर दे तो मैं मान जाऊँगा। एल्यूमिनियम लिया है, ठीक है ठीक है, ज़्यादा भी दम नहीं है इसमें। ओके, ये बिल्कुल सेम है, पूरी कॉपी है उसकी। इसने भी ये एल्यूमिनियम ग्लास को टच कर चुका है, देखो यहाँ पे ग्लास तक वो पहुँच चुका है, और इसका वेट है 110, मतलब जो हमारे नॉर्मल ब्रिक ने किया था उतना ही इसका वजन है। बस ये हाफ तक पहुँच गया था ह्यूमन के बाद, हाफ तक, और इसने वो हाफ कवर करके ग्लास को कर लिया। ठीक है, कोई टाइटेनियम को कर दे तो मैं बाज जाऊँगा, कस्टम। ओके, क्या थमा दिया ये, अरे क्या चीज़ है ये, रुको 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 रुको, क्या चीज़ क्या है ये। ओके, ओहो, दिखने में तो बहुत हल्का लग रहा है, देखो देखो 110 कर दिया उसने, ठीक है भाई। ओके, तो अभी इन सब को हटाते हैं, और अभी हमारे इस दूसरे वाले फीचर पे जाते हैं जिससे ये 2 हो जाएंगे। ओके, तो इनको रखते हैं, रुको मैं पहले वाले को पहले तो वुड कर दूँ। ओके, और दूसरे वाले को भी वह अपन वुड से शुरू करेंगे। ओके, तो एक वेट अ सेकंड, अरे तू रुक यार, हाँ, तो वुड वाले को, ओ वेट, वाह भाई। ओके, तो अभी काम पर आते हैं, इसको 2 मिनट हटाते हैं। ये भी चीज़ आप लोग घर पे ट्राई करना ज़रूर। ओह, ओके, तो इसको अभी रुको मैं वापस करूँगा। ओके, तो इसको अभी हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको फुल कर रखा है, तो ये 104 आ रहा है, है ना, देखो 104 आ रहा है, और 104 आ रहा है एक से, ठीक है। और अभी मैं अगर इसके पास में एक और ऐड कर दूँ तो 108 हो जाएगा वो। ओके, और इनफैक्ट अगर मैं इसके ऊपर ही ऐड कर दूँ तो भी वो 108 ही रहेगा, पर अगर मैं इसके ऊपर वज़न डालूँ थोड़ा
तो देखिए ये 114 बन चुका है। अच्छा देखो, हाँ तो अच्छा देखो, यहाँ पर इसको हटाता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको लेकर, अगर मैंने अभी इसको सरफेस पे रखकर छोड़ दिया है, ठीक है, और अभी यहाँ पर अगर मैं इसको अब नीचे करूँगा ऐसे, तो देखो यहाँ पर ये वन, अरे मैं दिखाऊँगा कैसे जूम करता हूँ, तो देखो मैंने अभी जूम किया है और यहाँ पर ये 110 आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मतलब यहाँ पे ये हमारा जो फोर्स है, हम जो इसको अपने माउस से, अपने जो पॉइंटर से हम इसको खींच रहे हैं, जो खींच कर जो हम इसको पूरा नीचे वाटर की सरफेस तक ले आ रहे हैं, उस फोर्स को भी ये गिन रहा है और वो ये बता रहा है। अभी अपन ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, वरना अगर मैं इसको ऐसे ही करके छोड़ देता, ओके, तो फिर वो अपना नॉर्मल ही करता, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैंने इसको नीचे किया तो 110 हो गया है। और हाँ, एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे ये जो हमारा रेड है, उसके लिए ये रेड वाला एक बन चुका है, ठीक है, अभी दोनों का वेट सेम है। और ये जो हमारा बी है, वो बी के लिए भी एक अलग से बन चुका है, अभी इन दोनों का वेट सेम है। तो वुड से मैं इसको अभी सीधे ब्रिक करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ग्लास तक पहुँच गया, ओके, ये उसने पूरा उसको नीचे दबा दिया। तो अभी मैं नीचे वाले को भी ब्रिक करने वाला हूँ। तो देखिए, तो दो दो को अगर अपन ब्रिक कर देंगे, दो दो को अगर अपन ब्रिक कर देंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे अब आ रहा है 120 लीटर्स, जो पानी का लेवल है वो बढ़ गया है 100 से, मतलब 20 लीटर्स बढ़ गया है, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों को एल्यूमिनियम करते हैं, एल्यूमिनियम, ओके, कुछ फ़र्क नहीं हुआ, सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ देखो देखो देखो, पहले भी यही था, इतना ही था, और अभी भी इतना ही है, ठीक है, तो मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा, ओके। तो इन सब को रखते हैं साइड में, और यही से हम नीचे से हमारा दूसरा सेलेक्ट करते हैं कंपेयर। तो यहाँ पे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 5 5, देखो देखो, अभी यहाँ पर ये ब्लॉक्स है, कुछ अलग अलग चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ब्लॉक्स क्या होना चाहिए। अगर आप इन सब का सेम मास करवाना चाह रहे हो तो ठीक है, ओके, जैसे कि भले ही इनका जो इनकी जो साइज़ है वो बड़ी है, पर इनका जो मास है वो सेम सेम है, 5 5 5 और 5, देखो ये कितना छोटा है, फिर भी इसका मास 5 ही है, सेम ही है, ये कितना बड़ा है फिर भी इसका मास 5 सेम ही है। और ये वाला, क्योंकि हाँ ये इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर सेम मास टिक कर रखा है, अगर हम सेम वॉल्यूम टिक कर दें तो देखो, क्या, हाँ तो देखो, वाह वो उधर ही रह गया, तो देखो आप लोग समझ ही गए होंगे ना, ठीक है। तो अगर हम लोग सेम वॉल्यूम कर दे तो देख लो, तीनों की साइज बिल्कुल सेम टू सेम है, और अगर सेम डेंसिटी कर दें तो देखो, ओके, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, देखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम फर्स्ट वाले से ट्राई करते हैं सेम मास, तो मास अपना कितना रखना है, 10 10 केजी से रख सकते हैं, और अगर पूरा हल्का करना है तो ये 1 1 केजी, और मैंने इनसे बहुत खेला 1 1 केजी से, अभी वीडियो बनाने से पहले ही, क्योंकि मैं टॉपिक डिसाइड कर रहा था, और मैंने इनसे बहुत ज़्यादा खेल लिया है। मैंने किया क्या था एक्चुअली, कि एक टावर बनाया जिस पर पहले ये रखा, इन दोनों को हटाया, अरे इन दोनों को हटाया, तू भी हट, इसके ऊपर, हाँ इसको रखा,
ग्रीन वाले को रखा एंड फाइनली रेड वाले को रखा और फिर इसको लेकर बस मैं पूरे टाइम यही खेलता रहा। देखो और कभी कभी तो मैंने इनसे खतरों के खिलाड़ी बनवाया मतलब करवाया। मस्त अभी देखो ज़्यादा से ज़्यादा दो तो आते ही हैं एक के ऊपर। ठीक है ओके तो अभी सब कुछ हटा देते हैं। ठीक है शुरू से करते हैं रीसेट। ये रीसेट बटन है ठीक है तो सेम मास अभी हम यहाँ से और हाँ यहाँ से हम सेम मास हमारे मास को डिसाइड कर सकते हैं कि हमको अपना मास कितना रखना है ब्लॉक्स का। ठीक है तो अभी तो मैं कितना था ये 5 था ना। ओ भाई जय हो अरे हाँ चलो ठीक है तो यहाँ पे हमने मास भी सेम कर दिया है। ओके तो अभी यहाँ पर टेस्ट करते हैं मतलब टेस्ट करना क्या है कि हाँ मतलब टेस्ट अपन करेंगे क्या बस मास तो सबका सेम ही है। ओके तो ये वाला ऊपर भी फ्लोट कर रहा है और यहाँ पर देखो मैंने पहले भी आपको बताया था तो ये निकलेगा नहीं क्या तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपन जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी ये ले रहा है। देखो अभी मैंने इसको नीचे कर रखा है तो ये उस फोर्स को भी ले रहा है। देखो नीचे मैंने दूसरे इसको खींच कर रखा हुआ है तो भी वो उसको ले रहा है। ठीक है आप लोग समझ रहे होंगे तो ओके ये देखो ये ऊपर वाला लूट कर रहा है। ओके और इनमें ये भी देख लो ये देखिए ये छोटे छोटे हैं। ठीक है ये छोटे छोटे हैं इसलिए ये नीचे की तरफ है पर मतलब ये छोटे छोटे हैं इसलिए बहुत हल्के हैं मतलब पर इनका वेट जो है हाँ इनका वेट वो सेम है पर ये छोटे छोटे हैं फिर भी इसलिए ये नीचे जाएंगे। ओके तो यहाँ पर ये बड़ा वाला और ये वाला ओके हाँ एक चीज़ आपको बता दूँ कि इसको तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये यार क्या मज़ा आती है हाँ हाँ इसको ट्राई करना 1 पे करके सही है बाउंस इतना करेंगे ना ये। देखो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ऐसा अलग अलग आपको तुम मीनारे बना सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। ठीक है तो अभी वस्ती बात हो गई इसको रिसेट करते हैं सेम वॉल्यूम कर दे तो वही हमारा सेम साइज हो जाएगा। मैंने ना एक चीज़ सोची है अरे वाह भाई वाह रुको रुको ये जा कुरियर हो गए सब जाओ। ओके बीच में घुसाएंगे इसको आ ठीक है तो निकल यार। ओके ब्लू लीडर है इनका ठीक है अर्न 3 2 1 लीडर ने गिरा डाला। देखो अभी इन सब का वेट इक्वल नहीं है ठीक है मैंने सेम वॉल्यूम कर रखा है वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम मतलब ब्लॉक्स की साइज तो इनका वेट इक्वल नहीं है सॉरी हाँ इनका वेट ही इक्वल नहीं है पर इनकी साइजेज इक्वल है इसलिए जो 8 kgs और 6 kgs के हैं वो नीचे जा रहे हैं और जो 4 kgs और 2 kgs का है वो ऊपर ही तैर रहा है फ्लोट कर रहा है। ओके तो आप लोगों को समझ आ गया एक सेम डेंसिटी भी देख लेते हैं। ओके इसमें तो आप लोग समझ रुको जगह ही नहीं है इसमें तो आप लोग समझ ही गए होंगे सेम डेंसिटी ठीक है गहराई। ओके भले इनका वेट अलग अलग है पर इनकी डेंसिटी सेम है। ओके
आप लोग देख ही सकते हो, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये तो 3 kgs का है बड़ा ब्लॉक ये। ओहो सही है, ये सबसे भारी है ठीक है, पर फिर भी ये सबसे भारी है पर इसको ऊपर होना चाहिए, मतलब ये तो ऊपर है पर ये 3 तो हल्के हैं ना, इनको तो नीचे होना चाहिए ना, पर नहीं ना, क्योंकि हमने सिलेक्ट यहाँ पर ये करा है सेम डेंसिटी, तो भले ही मैं इनको कितना भी बढ़ा लूँ कितना भी। तो भले वापस तो भले ही मैं इसको कितना भी बढ़ा लूँ कितना भी कम कर दूँ ये उचकेगा जरूर, मतलब ये तो भले ही मैं इनको कितना भी बढ़ा लूँ और कितना भी कम कर लूँ ये एक ही लेवल पे आना ही है ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर सेम डेंसिटी कर रखी है, तो आप लोग समझ गए ठीक है। अभी यहाँ पर हम लास्ट आते हैं हमारा मिस्ट्री ओके। तो यहाँ पे इसका मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलती है एक वेइंग मशीन, आए हाय ओ बॉय 110 kg है क्या उतर ओके तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाती है एक वेइंग मशीन ओके। और यहाँ पर वेइंग मशीन से हम वेट कर सकते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पर हमें मिल जाते हैं कुछ मस्त मस्त से ए बी ए ए डी सी डी सी ए सी वन सी जो भी लिखा है वो सब लिखे हुए ब्लॉक्स ठीक है। और यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ मिलती है एक डेंसिटी टेबल, तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं डेंसिटी इन केजीज एंड लीटर, वुडन वुड का है 1.040, गैसोलीन है 1.68, एप्पल 8.39295 ओके। तो ऐसे ही सारी चीज़ें की हैं, और गोल्ड जो है वो 19.32 kgs का है, मतलब सबसे भारी है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा गोल्ड है कौन सा वुड है कौन सा आइस है कौन सा ह्यूमन है कौन सा वाटर है कौन सा ग्लास है। आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा डायमंड है ओके। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो ठीक है आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर सोच लीजिए इससे पहले कि मैं बताऊं ठीक है। सिर्फ 5 सेकेंड है, और अगर और टाइम चाहिए तो को पॉज कर लीजिए और नीचे कमेंट्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। 1 2 3 4 5 ओके टाइम्स अप। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग समझ गए होंगे वेरी इजी ओके। तो यहाँ पर वेइंग मशीन इसलिए ही दी गई है ताकि हम इनसे ये जो डेंसिटी टेबल है इससे हम हमारा वेट को मैच कर सके, तो इससे हमारे ब्लॉक्स का हम वेट मैच कर लें। और अगर हम इसको मैच कर लेंगे इससे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा किसका है ठीक है। तो अभी यहाँ फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ लपटक रहा हूँ ओके। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये वुड का है क्योंकि 4.40 kgs ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं एकदम से इसके ऊपर फोर्स लगाऊँ ठीक है, इसके ऊपर एकदम से मैं फोर्स लगा दूँ, तो देखो हम जब फोर्स लगा रहे हैं उससे 510.60 kgs का हो रहा है, ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करना मज़ेदार है ठीक है। तो ये वुड है और हमारा जो वुड है वो ऐसा रहता है। ओ हाँ एक और चीज़ कि यहाँ पर ब्लॉक्स है सेट 1 जिससे अभी हम कर रहे हैं, सेट 2 जो कि आगे रहेगा, और सेट 3 इससे भी हम करेंगे, और रैंडम में हमारे पास आते जाएगा इसलिए हम 2-3 बार ये कर लेंगे इजी। तो यहाँ पे हम सेट 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको डेंसिटी टेबल को खोल लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं
ये वुड से मैच हो रहा है, तो मतलब ये वुड है, वुड को हम इसके अंदर फेंकेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अभी इसको हम साइड में करते हैं, उसको उठाते हैं, जोर से मारते हैं। 19.30 kg बोल्ड। अभी देखो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि वुड है तो उसका टेक्सचर वैसा ही हो वुडन जैसा, ओके, गैसोलीन है तो उसका टेक्सचर वैसा ही हो, ग्लास है तो उसका टेक्सचर वैसा ही हो, स्टील है तो उसका टेक्सचर वैसा ही हो, टाइटेनियम है तो उसका टेक्सचर वैसा ही हो, और गोल्ड है तो उसका कलर गोल्ड ही हो, कलर कुछ भी हो सकता है। देखो इस लिस्ट में ऊपर देखो, यहाँ पर मटेरियल की बात हो रही है कि ब्लॉक को बनाने में मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मटेरियल हमारे पास है, मटेरियल ये है गोल्ड, हमें इसके वेट से पता चल गया 19.30 kg। ओके, तो अभी मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा। ओके, तो देखो गोल्ड की पावर या फिर गोल्ड का वेट, ये सीधे 105.50 kg का मतलब लीटर हो चुका है। ओके, तो ये इसकी ताकत है गोल्ड के ब्लॉक की। यहाँ पर से एक ये भी लेते हैं, देखो ये गोल्ड कलर में दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये गोल्ड का ही हो, कोई कुछ भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता। ओके, मैंने ये पहले खेला है पर बहुत पहले, रुक जाना, पर बहुत पहले खेला था। ओके, वैसे आज भी खेला ये बनाने से पहले वीडियो, ओके, टॉपिक्स करे, पर फिर भी मुझे याद नहीं है, ठीक है, मुझे ये याद नहीं है कि कौन सा किस में है। और हाँ, साइज़ के ऊपर भी मत जा रहा, हो सकता है कि ये छोटा वाला भी गोल्ड हो, इन बड़े में से कोई एक वुड हो, ठीक है, साइज़ के ऊपर मत जाना। तो यहाँ पे इसको रखते हैं, देखो मैंने बोला था कि साइज के ऊपर मत जाना, मटेरियल के ऊपर जाना और कलर के ऊपर भी मत जाना, साइज और कलर के ऊपर मत जाना, मटेरियल के ऊपर जाओ। 19.32 एग्जैक्ट गोल्ड है ये पूरा 19.32। ओके, तो इसको भी डालकर वही हमें नतीजा मिलेगा, बस इसका मास थोड़ा सा कम था इसलिए। ओके, तो मेनली यहाँ पर हम जा तो तू उधर कोने में बैठे, हाँ यार जाओ उधर कोने में, हाँ चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम मेनली बस सबका वेट देखना कर रहे हैं, हम उसको पानी में भी डालकर कुछ करेंगे नहीं ज़्यादा खास, ठीक है, पानी में भी डालकर देख लेंगे ना। ओके, 2.80 kg, 2.80 के ना कर उससे तो कोई नहीं है, पर 2.70 से ग्लास है, ठीक है, तो अभी हम इसको ग्लास ही मानेंगे, क्योंकि कोई भी 2.80 से नहीं है। ओके, इसलिए भी बढ़ाया है, ठीक है, अभी अगला करते हैं, ये लास्ट है हमारा सेट वन का, ठीक है, सेट वन का लास्ट है। 5 kg किस में आएगा, किसी में भी नहीं आएगा, 4.50 है, ठीक है, टाइटेनियम का, तो अभी हम इसको टाइटेनियम का ही मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो बहुत हो गया, अभी अगले करेंगे, सेट टू भी करना है फटाफट से, या इसी से इधर से ही स्टार्ट करते हैं। देखो 18.00 kg ऐसा आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट गोल्ड के ही जैसा है, ठीक है, डेंसिटी गोल्ड जितनी है, नीचे चला गया, रुको तुम उधर के, अरे इसको डाल देते हैं, डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 10.80 kg फटाफट चेक करो, कॉपर, ठीक है, मतलब कॉपर है तो नहीं, पर उसकी मतलब पर वो कॉपर से काइंड ऑफ मैच ही कर रहा है, ठीक है,
और यहाँ पर भी ये है 2.70. ओके 2.70 ग्लास है, तो उसकी डेंसिटी ग्लास के जैसी रहेगी. मैंने कॉपर को टेस्ट नहीं करा इसकी डेंसिटी का, ठीक है डेंसिटी वैसी रहेगी. ये है 18, मतलब ऑलमोस्ट लाइक क्या होता है रहता है, हाँ ये है 18 ऑलमोस्ट लाइक गोल्ड, तो इसकी डेंसिटी भी वैसी रहेगी. और ये एक हमारा, अरे क्यों धक्का दे रहे हो, ओ भाई क्या चीज़ है ये, चीटिंग मत करो. हाँ सही है. ओके लास्ट हमारा सेट करते हैं, उसके बाद रैंडम सेट 2-3 बार कर लेते हैं. बहुत लंबी वीडियो हो रही है आज, बहुत लंबी वीडियो आने वाली है, आधे घंटे से ज़्यादा तुम्हें निकालना पड़ेगा. 2.85 ओके ग्लास मान लेते हैं, ठीक है. 6 किसका है, टाइटेनियम का 4.50 है, और 6 काफ़ी दूर है इससे, पर मानना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा यही करेंगे. स्कोर 23.40 ठीक है. ओके गोल्ड से भी ज़्यादा हो रहा है भाई, क्या बात है. 2 kg मज़ा नहीं आई, क्या करें. 2.70 वाटर करेंगे इसको, अबे सच में वाटर जैसा ही है ये बचा है ना, क्या हटना. ओके पहले इसका वो हो गया 6 kg 4.50 टाइटेनियम का है, ठीक है मान लेते हैं. अभी हम 3-4 बार रैंडम करने वाले हैं, ठीक है यहाँ से हम रैंडम को रिफ्रेश कर सकते हैं, तो इसी से चालू कर लेते हैं जो भी आया है. 71 ओके गोल्ड से भी ज़्यादा ही है, तो ऑफ कोर्स नीचे रहेगा ही. इसको हटाओ ना, अरे हटाओ, चलो इसको हटा दो. ठीक वो दोनों को नहीं रखा अपन ने, देखो पहले इसका देखते हैं 9.50 ठीक है. अभी ये दोनों को रखते हैं, पता नहीं क्या हुआ अभी मेरे से, अभी दोनों को रखते हैं 81 ओके दोनों को ही अंदर डालेंगे. ये तो गया, और अब इसके ऊपर ज़ोर से टपकेगा ये. ओके मैं एक बार आज अभी ट्राई करने वाला हूँ कि क्या इसको हम पूरा यहाँ तक ला सकते हैं. जितने भी यहाँ पर अगर सारे के सारे भारी भारी ब्लॉक्स हुए तो मज़ा आ जाएगी. अरे क्यों गिराते हो यार, ये तो गैसोलीन का है भाई ब्लॉक. हट कोने में जा, हाँ चल तू आ जा. ओ भाई बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाली है यार. पहले मैं ये रखूँगा क्योंकि पहले मैं ये रखने वाला हूँ क्योंकि ये ही फ्लोट कर रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है. बाकी ये सब तो नीचे गिर रहे हैं, यही इसको लेकर नीचे गिर जाएगा. ओके व्हाटएवर गाइस, तो मैंने लास्ट नाइट एडिटिंग करते टाइम ध्यान दिया कि मेरा जो लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, अजीब आवाज़ आ रही थी जैसे कंप्यूटर का कुछ बज रहा हो, ठीक है. तो इसलिए अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हमारे जिस बार ब्लॉक्स हैं वो चेंज हो गए हैं, तो ठीक है देखते हैं क्या होता है. तो देखो यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स चेंज हो गए हैं, कोई याद नहीं. अभी करते हैं इस छोटू से शुरू करते हैं. छोटू का वज़न है 0.68 ग्राम्स, और देखो अभी मैं मिस्ट्री पर ही हूँ. रैंडम को मैंने चूज़ कर रखा है, डेंसिटी टेबल भी हमारा इधर ही है, ठीक है. 0.68 ग्राम्स यानी कि गैसोलीन, और इसको डालते हैं ओके 78 ग्राम्स, सॉरी 78 केजीज, और ये 0.68 केजीज, ठीक है. और यहाँ पर ये है हमारा क्रीम कलर का ब्लॉक 6.43 kgs, और लास्ट ये एक ब्लॉक नहीं सेकंड लास्ट 4.99 kgs,
और एक ये, और एक ये, ओके 3 kgs। तो अभी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले यार पहले नहीं दिखाना होता है, एक काम करेंगे वो बाद में करेंगे, इसको रखते हैं यहाँ पर 0.68 kg का। पहले ये ब्लॉक डालते हैं, अभी पहले ये डालेंगे 3 kg का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम डालने वाले हैं 6.43 kg का एक ये, नहीं बीच रही आपको पूरा थोड़ा बैकग्राउंड भी अलग दिख रहा होगा क्योंकि अभी सुबह हो रही है, ऐसे मैं शाम को रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस। तो ठीक है पारी, तो ठीक है पारी 110.11 लीटर बढ़ गया। अभी ये डालते हैं 4.99 kg, ठीक है, इससे भी अच्छा खासा बढ़ा है। और ये लास्ट से हम डाल, लास्ट सबसे हैवी से हम डालेंगे जो कि है पूरे 78 kg का, 3, 2, 1 को 125 हो चुका है। देखो यार गाइस, इसको हटाता हूँ, ये देखो बस इतना सा बच गया है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बहुत सारे रैंडम सेट्स को खुद ही घर पर ट्राई करने वाला हूँ, और फिर आपको वीडियो में बताऊँगा कि कौन से सेट ने करा, और वो आपको वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ। तो गाइस देखो हो गया है हमारा, और मैं एक चीज़ मज़ेदार करने की क्या सोच रहा था कि अब इन सबका हम वेट करने वाले हैं। तो ठीक है सबसे पहले इसको रखते हैं, एक के ऊपर एक रखेंगे, फिर इसको रखते हैं, है ना, उसके बाद फिर इसको रखते हैं, और अभी इसको 93.11 kg। ओके देखा इतना मस्त है ये। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में मज़ा आया होगा और काफ़ी फन भी आया होगा, आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके गाइस आई होप आप लोगों को ये PHET की वीडियो समझ आई होगी, और स्पेशली आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा भी आया होगा, हमने आज बहुत मज़े करे उन ब्लॉक्स को चाल चाल कर। आप लोग भी इस सिमुलेशन को ट्राई कीजिएगा, ब्लॉक्स को उछालिएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखिएगा। ओके और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं PHET का ही डालने वाला हूँ, और जहाँ तक कि स्क्रैच की बात है, हम PHET और स्क्रैच दोनों को साथ में चलाएंगे, ठीक है, कोई भी रुकने नहीं वाला। पर नेक्स्ट वीडियो में मैं PHET की ही डालूँगा क्योंकि मेरे दिमाग में एक सिमुलेशन चल रही है, वो मैं आज के वीडियो में ही बताने की सोच रहा था, पर मैंने नहीं बताया क्योंकि वीडियो फिर 1 आवर से ज़्यादा लंबी हो जाती, ठीक है। तो मैं वो करूँगा, और स्क्रैच की वीडियोस भी आती रहेगी, आप लोग भी इसको ट्राई करते रहिए, 2-3 सिमुलेशंस को ट्राई कीजिए, ठीक है। और हाँ एक और चीज़ बताऊँगा आपको कि ये जितने भी ब्लॉक्स हैं इनमें से कौन सा ब्लॉक वाटर लेवल को सबसे ज़्यादा ऊपर ले जा पा रहा है, ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूँगा। और अगर कोई नहीं ले जा रहा होगा तो जो ब्लॉक सबसे ज़्यादा ऊपर लेकर जाएगा उसका भी मैं आपको बता दूँगा। ओके तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, नेक्स्ट वीडियो PHET की आने वाली है, और अगर आपको वो नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो मैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके और के ऊपर दोबारा और भूलना, ताकि जब भी कोई मेरा नया वीडियो आए आप सबको पता चल जाए। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय एवरीबॉडी, जय हिंद जय भारत।